अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा पेपल क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कौन सी कंट्री को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पेपल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कंपनी है जो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी बिटवीन पार्टीज़ थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ओके, अमेरिका की कंपनी है, इसको एलन किस किस ने बनाया है आप देख रहे हो, इनके फाउंडर्स हैं पीटर थाइल, एलन मस्क और ये मैक्स लेवचे। तो एलन मस्क को तो आप शायद जानते होंगे, इन्होंने ये कंपनी बनाई है, तो ये इनके फाउंडर्स हैं। ऑन कौन है? ऑन बाय ईबे, आजकल ईबे इसका ऑनर है। ठीक है, अब बाद में आते हैं इसमें कहाँ कहाँ ये सपोर्ट करता है। ये अफ्रीका की कंट्रीज़ में, ठीक है, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो हो नहीं, लेकिन आप देख लो अमेरिका, जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको ये कंट्रीज़ हैं। एशिया पैसिफिक, इंडिया को सपोर्ट करती है, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है तो आगे बताता हूँ क्या करना उसके लिए। यूरोप्स में इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसमें कितनी टाइप्स की अकाउंट्स होते हैं? दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने ख़रीदारी करनी है ऑनलाइन अमेरिका वगैरह से, पेपाल बेस्ट ऑप्शन है, हर जगह आपको पेपाल का ऑप्शन शो होगा। या आप कोई गेमिंग वगैरह खेलते हो तो उसमें पेमेंट रिसीविंग के लिए आपको पेपाल की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली, ठीक है। ऑलरेडी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मतलब पेपाल आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल का तो ये होगा। इसके लिए बनाने का क्या है, इस बनता क्या है, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? बहुत सिंपल है, टू ओपन अ पर्सनल अकाउंट यू नीड टू प्रोवाइड योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, डेट्स इट। ये आपका सिस्टम बन जाएगा, फिर वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है। उसमें आप पेमेंट मेथड, ऐड अ पेमेंट मेथड, मतलब आप पेमेंट उससे करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका क्रेडिट कार्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद वो जो पेमेंट होगी आप उससे बाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक साइट पर गए, वहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप पेपाल में गए, आपके पेपाल में बैलेंस नहीं है, तो आपने डेबिट कार्ड उससे अटैच किया होगा, तो फौरन आप उससे पेमेंट कर सकते हो। खाली आपको अपना सही पर्सनल, अपना नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, एड्रेस, सही वाला फ़ोन नंबर, ठीक है, और ईमेल एड्रेस, सपोर्टेड कंट्रीज़ का फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये हो गया पर्सनल के लिए, इंडिविजुअल के लिए बहुत ईजी है। अब बिज़नेस अकाउंट के आते हैं, बिज़नेस अकाउंट का फ़ायदा क्या है? बिज़नेस अकाउंट का पहले फ़ायदा ये, आपका बहुत फ़ायदा है, शॉपिफाई आप स्टोर चला रहे हो, पेमेंट रिसीव करना है, आप ईबे चला रहे हो, कोई भी चला रहे हो जहाँ ऑनलाइन स्टोर है, या आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, सप्लायर को पैसा पे करना है या कुछ भी है, तो पेपाल बिज़नेस द बेस्ट ऑप्शन। इसके अकाउंट बनाने में थोड़ा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपल यहाँ पर शो हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, अब चलते हैं टॉप पे, ठीक है। देखें एक बात बताता हूँ, जब भी आप कोई भी काम करना चाह रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद में उंगली दिया करो, ऐवें जो है ना नुकसान हो जाता है। चलते हैं आगे, ये देखें साइन अप फॉर बिजनेस का आपको क्या चाहिए। लॉगिन के लिए आपका ईमेल, पासवर्ड डाला, लीगल फर्स्ट नेम। लीगल फर्स्ट नेम से क्या मुराद है? आपका लीगल फर्स्ट नेम आपको कहाँ चाहिए? जो आपने बिज़नेस अपना कंपनी ओपन की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने LLC ओपन की है या UK बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड ओपन किया, तो उस पर आप जो लीगल नाम दोगे वो यहाँ देना पड़ेगा और वो लाजम है। लीगल बिजनेस नेम, आपके बिज़नेस का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है और आपको फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे वो एड्रेस पूरा डालना है सारा, करेंसी सिलेक्ट, एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ तक यह प्रोसेस हो गया। यहाँ तक हो गया मीन्स आपके आगे कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके बिज़नेस के बारे में पूछेगा क्या करते हो, तो वो डिस्क्राइब करना है सिंपल, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वो बंदे की, ठीक है, इसमें ये यूमी मतलब वो बंदे का एक हमको दिखाने के, बताने के लिए बात कर रहा है। चाइना का बंदा आप कहाँ के भी हो वहाँ का लिखो,
चूज़ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, अपनी आइडेंटिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी, होम एड्रेस कहाँ रहते हो आप, पोस्टल कोड सबमिट, डेट्स इट, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर, ठीक है। उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, क्या क्या करते हो क्या नहीं, येस नो में आपको आंसर देना सिंपल, ठीक है। वो पूछने के बाद सर्टिफाई एंड सबमिट इन्फॉर्मेशन ऑफ फैशन शूज़, फॉर एग्जाम्पल आपने फैशन शूज़ सेलेक्ट किया तो उसमें आपको सारी चीज़ें सारी सर्टिफाइड करने के, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी, मैं यहाँ का बंदा हूँ, मेरे इतने टैक्स है वगैरह, ओके सर्टिफाइड एंड सबमिट कर दिया, थैंक, आपने साइन अप कर दिया। अब क्या होगा, आपका अप्रूवल के लिए चला गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अगर सही प्रोवाइड किया तो विद इन 8 आवर्स के अंदर आपको उनका रिप्लाई आ जाएगा, विद इन 2 डेज भी होता है, टाइम भी लग जाता है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं, जल्दी भी आ जाता है, लेट भी सम केसेस में, कंट्रीज पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप कर देंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, कर देंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, आप वो कर लोगे। उससे फिर आपको क्या होता है, आप ये अब सवाल पूछोगे कि मैं पैसे तो ले लिए शॉपिफाई वगैरह से, तो मैं अब पैसे कैसे निकालूंगा अपने इंडियन अकाउंट, पाकिस्तानी अकाउंट या उसमें। अच्छा, पाकिस्तान वालों का मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान वाले भी बना सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, नंबर खरीदना पड़ेगा, एड्रेस खरीदना पड़ेगा, या LLC बनानी पड़ेगी, या यूके बेस्ड कंपनी बनाएंगे पाकिस्तान में बैठ के, तो उनको ऑब्वियसली नंबर, फ़ोन नंबर अपना उनको यूके का ख़रीदना पड़ेगा, अपना एड्रेस खरीदना पड़ेगा, और प्राइवेट बेस लिमिटेड कंपनी बनाओ। और मैं बताता हूँ, दो वेबसाइट है, madesimple.com एक अच्छी वेबसाइट है, वो भी इंटरनेशनल ऑफ़र दे रही है, उनके पढ़ो क्या रिक्वायरमेंट्स हो, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, उनके एजेंट से आप बात भी कर सकते हो। एक है directgovernment.uk, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, अमेरिकन बिजनेस अकाउंट। तो जब आप LLC खोल लोगे या यूके, तो ऑलरेडी आपका जो कंपनी आप जिनसे खोलोगे उनके पास ऑप्शन रहता है कि बिजनेस अकाउंट खोलने का, तो वो आपको खोल के दे देंगे। ये यहाँ तक का था सिंपल, बहुत लिंक बैंक अकाउंट, ये देखें आ गया नीचे लिंक बैंक अकाउंट, आपका बैंक नेम, स्विफ्टको, ब्रांड लोकेशन अकाउंट, इसमें चंद ही बैंक हैं अमेरिका के जो वो सपोर्ट करता है, ठीक है। लिंक योर बैंक कर दोगे, जो आपको पैसा वहाँ से आएगा आप डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इससे पायोनियर भी आप, पायोनियर जो होता है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पायोनियर के लिए क्या है, आपको पायोनियर, जब आप पायोनियर खोलोगे तो आपको एक ही अकाउंट देता है, वो फर्स्ट सेंचुरी बैंक का, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ग्लोबल पेमेंट सर्विस में जाना है और उसमें जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि आई नीड वन एडिशनल अकाउंट फॉर माय पेपाल बिजनेस अकाउंट। आप ऐसा लिखोगे तो वो क्या बोलेगा, कुछ वेरिफिकेशन है आपको करनी पड़ेगी, जैसे आपको रेजिडेंट एड्रेस, ठीक है, प्रूफ देना पड़ेगा, बिल इंफॉर्मेशन, यूटिलिटी बिल वगैरह, ये चीज़ें देनी पड़ती हैं, डेट्स इट। और वो आपको एक अकाउंट इशू कर देंगे जो पेपाल में ऑथोराइज्ड है और एक्सेप्टेड होगा, वो आप करके पायोनियर में कर सकते हो, पायोनियर से आप अपने पाकिस्तान इंडियन किसी भी अकाउंट में कर सकते हो, डेट्स इट। बहुत सिंपल मेथड है, आसान है और सिक्योर है, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में बता दें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।